हेलो रेडी चैनल मैन, दिस इज चैनल एंड यू आर वाचिंग चैनल्स यूनिक ब्लॉग। ओके सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ क्यूब स्टे की एयरपोर्ट कैप्सूल होटल। आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, ये मतलब एक प्राइवेट आपको यहाँ पर कैप्सूल्स पॉड्स जैसे यहाँ पर मिल जाते हैं। एरोप्लेन के अंदर जैसे आपको पॉड्स देखने मिल जाते हैं छोटे छोटे, वैसे यहाँ पर रूम्स आपको देखने मिल जाते हैं, वो भी ये है बहुत ही चीपेस्ट रेट्स में। और इसका आप इंटीरियर देख सकते हो, ये एकदम है ना ऐसा लगता है हम लोग एरोप्लेन के अंदर है। तो इसके जो मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगा ना, वो भी आपको एक जैसे एरोप्लेन के अंदर हो आप वैसे ही फील देता है। सो ये होटल है ना एकदम हाइजीनिक भी है, सेफ भी है, और यहाँ पर वॉशरूम्स भी अवेलेबल है, कैफे भी अवेलेबल है, और आउटडोर गार्डन्स भी अवेलेबल है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होटल है और बहुत ही चीप रेट्स पर ये अवेलेबल है। तो गाइस मैं आपको ये होटल का पूरा टूर देता हूँ, सो गाइस कीप वॉचिंग द फुल वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द ब्लॉग। अभी हम लोग है ये क्यूब स्टे होटल के बाहर, यहाँ से इसकी मेन एंट्री है। सामने की तरफ रिसेप्शन है, यहाँ पर है वेटिंग एरिया। कैप्सूल के लिए हमें एंटर करना है ना, वो ये तरफ से एंटर करना है। नीचे की तरफ है यहाँ पर सारे कैप्सूल्स, आउटडोर गार्डन और कैफेटेरिया। में तीन अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, इकोनॉमिक क्लास, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास। ये तरफ हमें देखने मिल जाता है इकोनॉमिक क्लास, ये पूरा है इकोनॉमिक क्लास। जो भी यहाँ पर एक गेस्ट रहते हैं उनके लिए अलग से एक बेड दिया गया है पूरा। ये इकोनॉमिक क्लास की प्राइस है 300 रुपया। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर है फर्स्ट क्लास का रूम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर कर देना है, सो ये ओपन हो जाता है ऐसे ही। सो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये प्राइवेट कैप्सूल्स जैसे यहाँ पर दिया गया है। ये कुछ है मतलब प्राइवेट ऐसे कैप्सूल्स टाइप छोटे से यहाँ पर बेड दिए गए, तो यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हो। और यहाँ पर अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और फिर यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत स्विचेस देखने मिल जाती है लाइट्स की, और यहाँ पर एसी तो है ही पूरे होटल के अंदर। और अंदर की तरफ आपको एक पावर सॉकेट भी देखने मिल जाता है। तो ये इतनी सी चीजें हैं इसके अंदर। अगर आपको मतलब कोई भी सोलो ट्रैवलर हो या फिर एक दो जन के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ पर रह सकते हो। और यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर और भी कैप्सूल्स दिए गए जो कि पूरे सेम है अंदर से। और ये वाली जो आपने फर्स्ट क्लास केबिन देखी, इसका प्राइस है 500 रुपीज, और ये 500 रुपीज में आपको 24 आवर्स के लिए मिलता है। और इसका चेक इन टाइम होता है सुबह 11 बजे से, और चेकआउट टाइम भी होता है सुबह 11 बजे। ये तरफ से भी हम चलते हैं बिजनेस क्लास की ओर। तो ये तरफ आप मेरा साइड में इंटीरियर्स देख सकते हो, ऐसा लगता है कोई एरोप्लेन के अंदर है हम लोग। इसकी अंदर से डिजाइन दी गई है एरोप्लेन जैसी, और जो अंदर के रूम्स भी होते हैं ना इसके, वो भी एरोप्लेन जैसे ही होते हैं। और ये बाजू भी वापस से यहाँ पर है फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट। ये फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट भी सेम ही है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया फर्स्ट क्लास वाला। और फिर ये तरफ भी वापस से हमें देखने मिल जाता है वही फर्स्ट क्लास का पूरा कंपार्टमेंट। यहाँ पर भी ये सारे बेड्स रखे हुए हैं, तो ये भी पूरा सेम ही है फर्स्ट क्लास जैसा मैंने आपको पहले दिखा। और फिर ये तरफ है हमारा बिजनेस क्लास का रूम। तो बिजनेस क्लास है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। सो ये देख सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लग रहा है अंदर से। यहाँ पर आपको एक अपना प्राइवेट रूम जैसा दिखने मिल जाता है। और ये वाले रूम के अंदर है ना ऐसे आपको 6 अलग अलग कैप्सूल टाइप दिए गए। तो ये वाले मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको, इसका हमें पासवर्ड डाल देना होता है। पासवर्ड सिर्फ गेस्ट रहते हैं उनको एक्सेस रहता है यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये कुछ है यहाँ पर मिनी रूम जैसा। तो ये बेड भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और फिर यहाँ पर हमें एक छोटी सी रीडिंग लाइट दी गई है। और फिर यहाँ पर हमें सारे ये स्विचेस दिए गए सारे लाइटिंग्स के लिए। और फिर ये तरफ भी हमें पावर सॉकेट देखने मिल जाता है, और यहाँ पर ये मिरर भी देखने मिल जाता है। और ये वाला जो डोर है ना ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं हो, तो ये प्रेस करके ही आपको ये ओपन करना होगा। और ये बिजनेस क्लास के रेट्स है ना 599 है, जो कि 600 रुपीज, जो कि आप कहीं भी महंगी होटल में रहने जाओ वो आपको 2-3 हजार रुपया पर डे चार्ज करेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपको सिर्फ 600 रुपीज में मिल रहा है, वो भी एक छोटा सा रूम। आपका यहाँ पर प्राइवेसी भी रहती है, ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग रूम दिए गए इसके अंदर। और फिर हम बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ भी यहाँ पर सामने हमें और वापस से बिजनेस क्लास देखने मिल जाता है, जो कि ये बिजनेस क्लास में वापस से हमें यहाँ पर 6 अलग अलग ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल, प्राइवेट कैप्सूल्स देखने मिल जाते हैं। अंदर से सारे सेम ही है जो कि मैंने आपको पहले दिखा। और अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पर हमें ना मेल वॉशरूम देखने मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर है ना ऐसे सबके लिए कॉमन वॉशरूम दिया गया है, मेल और फीमेल के लिए अलग। ये कुछ अंदर के वॉशरूम का लुक है, ये भी मतलब कोई लग रहा है 5-स्टार होटल के वॉशरूम जैसा ही है, बहुत ही ज्यादा क्लीन। आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ आउटडोर गार्डन और कैफेटेरिया, जो कि यहाँ पर गेस्ट रहते हैं ये उनके लिए ही है। सो और यहाँ पर है ना कैफेटेरिया फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है जो भी गेस्ट है यहाँ पर। तो ये है कैफेटेरिया का लुक। तो ये तरफ सारे टेबल्स दिए गए, जिसको भी मतलब लंच या डिनर करना है यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर अपने रूम पर भी मंगवा सकते हैं वो लोग। और फिर ये तरफ है इनका आउटडोर गार्डन,
तो ये भी मतलब कुछ आउटडोर में जिसको भी यहाँ पर इंजॉय करना है वो लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। फिर ये तरफ है टीवी रूम, तो ये है वेटिंग रूम और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गेम्स रखी हुई है, तो यहाँ पर मतलब जो भी गेस्ट स्टे करते हैं वो लोग यहाँ पर आकर अपना इंजॉय कर सकते हैं। ओके सो गाइस, मैंने आपको ये होटल का पूरा टूर तो दे ही दिया, आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये कैप्सूल होटल कैसी लगी। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आउट ऑफ मुंबई से आ रहे हो, तो ये होटल में रहने लायक है क्योंकि ये है बहुत ही चीप रेट्स में। और जैसे हमारे जैसे ट्रैवलर्स रहते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स रहते हैं, तो वो लोग हमेशा ऐसे कंटेंट्स बनाने के लिए अकेले घूमते रहते हैं, तो वो लोग ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ पर उनकी फुल प्राइवेसी रहती है, एक छोटा सा रूम उनको मिल जाता है, अपने लिए सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर है ना आपको सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने मिल जाते हैं, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास, जो कि मैंने आपको दिखाया, और उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा चीप है, इससे कम प्राइस में और कहीं भी आपको मुंबई में कैप्सूल होटल नहीं मिलेगी सस्ते रेट्स में। और ये है मुंबई में सेकंड कैप्सूल होटल, इसके पहले भी एक कैप्सूल होटल मैंने आपको दिखा दिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मुझे है ना चीप रेट्स के मामले में ये सस्ती लगी कैप्सूल होटल और अच्छी भी है। सो बस अभी ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। सो आपको भी ये कैप्सूल होटल कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो बस गाइस, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस, स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल द टाइम, गुड बाय।